छपरा के राजद के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने कहा, मैंने घर घर मशरख ईसुआपुर प्रखंडों में दौरा किया। मृतक के परिजन प्रशासन के दबाव और डर से बताने को राजी नहीं। प्रशासनिक दावा 70 से 75 है, जबकि उन्होंने दावा किया कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो परिवार वाले डर से बताने को राजी नहीं है, लोगों ने प्रशासन के डर से शव को बिना पोस्टमार्टम के ही जलाया। कुछ लोग मौत पर राजनीति कर रहे हैं। मौत पर राजनीति करने से बेहतर है परिवार वालों के साथ संवेदना व्यक्त करें, उनकी मदद करें, राजनीति नहीं करें। उन्होंने कहा कि शराब से मौत नहीं बल्कि जहरीली शराब से मौत हुई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग किया कि आखिर यह शराब आई कहां से और उस शराब को छोटे छोटे वेंडरों तक किसने पहुंचाया? ये गांव में शराब बेचने वाले कौन हैं? इसकी समुचित जांच हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं की बल्कि सभी दलों के नेताओं और पब्लिक की मांग पर हुई है। मैंने पहले आपसे कहा, इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे वो थाने का हो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो, कोई वेंडर हो, कोई खुदरा बेचने वाला हो, जो भी दोषी है, जिसका नाम सामने आएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार में आप ना, तो मैं सरकार में अगर हम हैं तो सरकार के में होने के और ना होने से मतलब नहीं है। हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में कोई मरा, हम उसके आवाज़ को उठाएंगे। उनको जो भी जरूरत है, जो संभव मदद होगा, हम अपने तरफ से करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। नहीं देने की बात हो रही है, क्या मुआवजा देना ना देना ये सरकार को निर्णय लेना है। हम जहां तक सक्षम है, जिस परिवार को जो जरूरत होगा वो हम पूरा करेंगे। ये जो कानून बिहार राज्य में लाया गया, राज्य के मुख्यमंत्री अपने मर्जी से बिहार पर नहीं थोपे हैं। इस कानून को पारित करने से पहले बिहार के सभी दल के नेताओं के साथ बैठ के बात हुई थी और सभी के सहमति से और बिहार के आवाम के मांग पर ये कानून बिहार में लाया गया था। नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी का कानून लाए हैं, जो लोग भी शराब बेच रहे हैं या पी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। और गुनहगार सिर्फ वही नहीं है, गुनहगार इसमें हम भी हैं, गुनहगार इसमें आप जैसे पत्रकार भाई लोग भी हैं, गुनहगार उस गाँव में जो लोग मरे हैं, उस गाँव के लोग भी हैं। कारण ये है, अगर गांव में शराब बिक रहा है तो गांव वालों को कहीं ना कहीं से पता जरूर होगा कि ये शराब बेच कौन रहा है, और वो प्रशासन को सूचना नहीं दिए। आपको अगर पता है, आप मीडिया में ना चलाएं, प्रशासन को सूचना ना दिए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है। अगर मुझे पता है, मैं प्रशासन तक, सरकार तक अपनी बातों को नहीं रखा, नहीं बताया, तो मैं भी उसमें कमजोर हूँ, गलत हूँ। सवाल ये है कि मुआवजा से इनकार कैसे कर सकते हैं? उसी अधिनियम 2016 के अधिनियम के 1242 को देखा जाए, यही के बात को रहना दिया जाए, पटना की बात को पटना किया जाएगा। अभी आपने मानवीय जो पहलू, देखिए हमने पहले ही आपको स्पष्ट कहा कि दबाव में प्रशासन के द्वारा लोगों को डराया जा रहा है, जिसके वजह से आप लोग आंकड़ा वही बता रहे हैं जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। जो गांव में मर गए हैं उनको बिना बताए जला दिया गया है। जो लोग डर से कह रहे हैं कि नहीं, हमारे परिवार के जो लोग मरे हैं वो शराब पीने से नहीं मरे, ठंड के वजह से मर गए हैं, वो आंकड़ा तो आप नहीं दिखा रहे हैं, वो आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं जा रही है। लेकिन हम घर घर जाकर घूमे हैं, एक एक परिवार के लोगों से मिले हैं, चाहे वो मशरख प्रखंड हो, भगवानपुर प्रखंड हो या ईसुआपुर प्रखंड हो, हर एक गांव में गए हैं, एक एक परिवार के लोगों से मिले हैं। मुझे पता है कि संख्या कितना पहुंचा है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं इसमें। जो लोग मरे हैं बहुत कमज़ोर गरीब परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि अगर आप ये बताइएगा कि ये जहरीली शराब पीने से मरे हैं, तो उस पर सरकार के तरफ से आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, परिवार के लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है। इस वजह से लोग डर के छुप के उस लाश को जला दे रहे हैं। सरकार से क्या एक मिनट, सरकार भी